जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना चीनू सैदपुर एक बार फिर आपके साथ। चीनू सैदपुर फिजिकल ट्रेनिंग फाउंडेशन मोदीनगर में आपका स्वागत है। दोस्तों, टेरिटोरियल आर्मी, आप लोगों को जैसा पता है कि एक ना एक न्यूज़ हम लेके आते हैं आप लोगों के लिए, खास कुछ ऐसा लेके आते हैं कि आप लोग डिमोटिवेट ना हो। वीडियो पूरी देखें, पूरी वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो आपके काम की होने वाली है। अब दोस्तों, बात आती है कि भाई आज की न्यूज़ क्या है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, 2022 में एक लेटर इशू करा था हरियाणा गवर्नमेंट ने, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बुद्धिजीवी है, ये वीडियो उन भाइयों के लिए जिन्हें कुछ भी नहीं पता, जिन्हें पता है सब कुछ, वो इस वीडियो को ना देखे, ठीक है भाई। अब मैं बताता हूँ, हरियाणा गवर्नमेंट ने एक लेटर इशू करा था नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, सरकारी एम्प्लॉयज़ के लिए, मतलब जो अदर पे हैं, जैसे रेलवेज हो गए तो डिपार्टमेंटल हो गए, नॉन डिपार्टमेंटल हो गए, ओपन रैली होती है वो नॉन डिपार्टमेंटल आता है। और दोस्तों, सिविल एम्प्लॉयज़ जो होते हैं सर्विस मैन, उनके लिए एक लेटर अप्लाई किया था कि भाई एक जानकारी दी थी, मतलब जानकारी करके क्या था कि आप लोग टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करें, जो कि लेटर हमें अब मिला है कि टेरिटोरियल आर्मी आप ज्वाइन करें, आप लोगों को यहाँ पे वेलकम है, क्योंकि वहाँ पे अंदर बहुत वैकेंसी खाली पड़ी हैं। अब बहुत से भाई बोल देंगे कि ये है कहाँ लेटर, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा। ये NOC दोस्तों, ये जो लेटर है ना, ये है लेटर देखो, रिगार्डिंग इशूइंग सर्विस कैंडिडेट सर्टिफिकेट NOC सिविल गवर्नमेंट, यानी कि जितने भी अदर एम्प्लॉयज़ हैं टेरिटोरियल आर्मी या आर्मी से अदर एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए टेरिटोरियल आर्मी में जगह खाली है। और जिस पे कार्य चल रहा है, लगातार कार्य चल रहा है, मैंने आपको कुछ पहले बताया था कि एक सर्विस मैन की भर्ती हो रही है, उसके बाद में बताया कि ये साइबर वाली भर्ती आई है, अब जो बता रहा हूँ मैं, ये बता रहा हूँ कि जो नॉन गवर्नमेंट, मतलब जो सिविल में सिविल गवर्नमेंट सर्विसिंग वाले हैं, वो टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन कर सकता है। अब उसके क्राइटेरिया क्या है, अब उसमें आप पूछोगे कि कोई किसी की नौकरी को छोड़ के टेरिटोरियल आर्मी में क्यों जाएगा, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुछ नौकरी ऐसी होती हैं जिनमें आप लोग कुछ ही समय तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, और कुछ नौकरी ऐसी होती है जिनमें आप लंबे समय तक अप्लाई कर सकते हो, लंबे समय तक उसमें जॉब कर सकते हो। तो इसलिए टेरिटोरियल आर्मी को पहले ये बताया गया हरियाणा गवर्नमेंट ने कि भाई आप लोग उसमें मतलब उसे छोड़ के टेरिटोरियल आर्मी, या आपको कोई प्रॉब्लम हो गया उसमें से टेरिटोरियल आर्मी में आप जा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, ये जो बात बता रहा हूँ ये किस लिए बता रहा हूँ कि एक तो जागरूक होने के लिए, और नंबर दो कि जब इस टेरिटोरियल आर्मी के सारे कार्य चल रहे हैं, और बहुत से हमारे यूट्यूबर भाई थे जिन्होंने बोला था कि टेरिटोरियल आर्मी बंद होगी, ऑफिसर भर्ती क्यों आ रही है जब टेरिटोरियल आर्मी बंद होगी, ऑफिसर कमांड किसे करेंगे, ऑफिसर जवान को ही तो कमांड करेंगे, जब जवान को ऑफिसर कमांड करेंगे तो ऑफिसर के साथ साथ ऑफिसर के बाद जवान की भर्ती आनी निश्चित है, ये भी रियलिटी है। और मैं आपको बता चुका हूँ, जनवरी फरवरी तक भर्ती आती है, ये निश्चित है। अगर भर्ती नहीं आती है तो दोस्तों फिर भर्ती नहीं आती, उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, उसमें हम भी कितने पैर पीट लो और आप भी कितने पैर पीट लो, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। जनवरी फरवरी में भर्ती आती है तो आती है, अन्यथा फिर भर्ती नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों, ये भी मेरी निश्चितता है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करता हूँ, कभी भी अपनी वीडियो में डिमोटिवेट नहीं करता हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जनवरी फरवरी में भर्ती आएगी, आप अपनी तैयारी बढ़ा दो, चाहे किसी भी जोन की भर्ती आए, फोर्थ की आए, फिफ्थ सेकंड की आए, थर्ड की आए या फर्स्ट की आए, भर्ती जरूर खुल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको थोड़ा बहुत भी हमारा सहयोग करना है तो इस वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।